इसराइल हमास के बाद अब हिजबुल्ला के साथ भी जंग की तैयारी कर रहा है। इसराइल के नेताओं ने अब खुले तौर पर धमकी भी देनी शुरू कर दी है। जब से इसराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है तब से हिजबुल्ला ने भी अपनी टांग अड़ा रखी है। हिजबुल्ला लड़ाकों ने लगातार बमबारी कर इसराइल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमलों से इसराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने को मजबूर हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ईरान के बूने प्रॉक्सी वॉर वाले जाल में इसराइल फंस गया है। यही वजह है कि हिजबुल्ला के हमलों से त्रस्त हो चुके इसराइल ने अब लेबनान पर सीधा युद्ध थोपने की धमकी दे डाली है। हालांकि इस बात से इसराइल भी वाकिफ है कि अगर एक साथ दूसरा युद्ध शुरू होता है तो इसका दुष्परिणाम उसे भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दरअसल पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से चली आ रही गाजा की जंग खत्म नहीं हो रही है। इसराइल अब तक हमास का खात्मा नहीं कर पाया। अगर दूसरे छोर पर भी जंग शुरू होती है तो इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। खास बात है कि हमास और हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान इसराइल की कट्टर दुश्मनी बरसों पुरानी है। इनके जरिए ईरान इसराइल को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हिजबुल्ला हमास के मुकाबले कई गुना ताकतवर है। इस समूह के पास मिसाइल और रॉकेट्स का बड़ा जखीरा होने के साथ साथ अपनी मजबूत इंटेलिजेंस यूनिट भी है। हिजबुल्ला की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे कई अरब देशों को एक साथ हराने वाले इसराइल को 2006 की जंग में अकेले ही बुरी तरह हरा दिया था। हिजबुल्ला ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया है। 2006 में इसराइल को हराने के बाद लेबनान की जनता के बीच उसकी अहमियत बढ़ी है। हिजबुल्ला महज मिलिशिया ग्रुप ना रहकर अब लेबनान का बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप भी है। लेबनान की नीतियों में अपना दखल रखता है। ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो इसराइल की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इसराइल की तैयारी और उसके सैन्य भंडार पर भी आशंकाएं बढ़ने लगी हैं। इसराइली न्यूज चैनल 12 के मुताबिक इसराइली बल हिजबुल्ला के साथ सीधे टकराव को लेकर खतरनाक हालात का अनुभव कर रहे हैं। वह कई सैन्य उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। इसराइली सैन्य कमान अब ऐसे दावों का खंडन करता है, मगर हाल में हुई अंदरूनी जांच में ये साबित हुआ है कि इजरायली बलों के पास बैलिस्टिक आर्मर, हेलमेट, ऑप्टिकल साइट्स और बम सूट समेत कई आवश्यक साजो सामान की भारी कमी है। ये सभी जंग में लड़ने वाले जवानों के लिए जीवन रक्षक उपकरण माने जाते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इजरायली हथियारों में कमी के चलते जंगी मैदान पर काफी चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। इजरायली सैन्य उपकरण जिसमें बख्तरबंद वाहन और टैंक शामिल हैं, इनमें से काफी सिस्टम सैन्य ग्रेड उपकरणों की सामान्य गुणवत्ता से भी मेल नहीं खा रहे हैं। इजरायली अखबार मारीफ की रिपोर्ट में इजरायली बख्तरबंद बलों को हुए नुकसान के बारे में डरावना आंकड़ा जारी किया है। 7 अक्टूबर 2023 से अलग अलग प्रकार के 500 बख्तरबंद वाहनों को नुकसान हुआ है। ऐसे में हिजबुल्ला की सटीक गाइडेड युद्ध सामग्री, टैंक रोधी मिसाइलों की लंबी सीरीज और उन्नत लड़ाकों की इंजीनियरिंग क्षमता इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।